बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। चलें जी, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी है, आज हम तवे पे बनाएंगे रोगनी नान, घर में साफ़ सुथरे और नफासत के साथ। तो उसके लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, एक पाव मैंने मैदा ले लिया जिसको मैंने छान के रख लिया है, तेल ने मेरे पास घी है, दही है, दूध है, नमक है, चीनी है, मीठा सोडा है और ईस्ट है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, हाफ टी स्पून मेरे पास चीनी है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ही मीठा सोडा है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, मीठा सोडा डालना है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ईस्ट है। इन सारी चीज़ों को सबको मिक्स करके इसमें डालूँगी। रूम टेम्परेचर का रखा हुआ दही है मेरे पास, ये मैं डालूँगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच। एक चम्मच मैं डालूँगी पिघला हुआ घी। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। सारी चीज़ें देखिए अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ईस्ट आपने जो लेनी है वो फ्रेश लेनी है, पहले से रखी हुई ईस्ट जो है वो नहीं लेनी, क्योंकि उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। फिर जी लाइट चली गई है। अब नीम गर्म दूध है मेरे पास, आटे की डो में इसको मैं गूंदूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसमें अंडा डालना चाहते हैं अंडा डालने, मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। आटे को मैंने गूंद लिया, देखिए आटे को गूंद लिया इस तरीके से जिस तरह रोटी बनाने वाला आटा गूंदते इसी तरह। अब इसको एक साइड पे करूंगी, एक डोंगा लूंगी, उसमें अच्छे से घी लगा के ना इसको ब्रश की मदद से लगाएं, हाथ की मदद से लगाएं। मैंने इसको ऊपर से घी लगा दूंगी ताकि सिकरी ना इसके ऊपर आए। अब इसको ऊपर से मैं अच्छे से कवर कर दूंगी, कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। गर्मी का मौसम है, अच्छी तरह राइज हो जाए। इसको मैंने कवर करके रख दिया, कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ इधर काउंटर पे ही। जैसे ही ये राइज होगा फिर हम अपने नान बनाने शुरू करेंगे। जी देखें डो में कितनी ज़बरदस्त राइज हो गई है। अब इसको मैं नीट कर देती हूँ, इसकी आवाज़ ख़त्म करके। अब इसका इसको नीट कर लेंगे ज़रा। एक बड़ा सा पेड़ा बना लेते हैं। इसके 2 पेड़े बनेंगे, 2 नान मेरे आराम से, एक पाव में 2 नान बन जाते हैं। एक ये बना लेती हूँ।
इनको दूंगी मैं स्टे 10 मिनट का, फिर ऊपर से कवर कर देती हूँ जी। पेड़ों को भी मैंने 15 मिनट रेस्ट दिया है। अब इसको हम चकले बेलने के पास ले आते हैं। एक पेड़ा उठाऊँगी, इसमें लाज बरकत है। इसके ऊपर मैदे को डस्ट करूँगी। और इस पेड़ को हाथ की मदद से इसको चपटा करती जाऊंगी। इस स्टेज पे आप चाहें तो बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बेलन की मदद से इसकी रोटी बना लेती हूँ। इसकी रोटी को मैंने बेल लिया है, देखें नॉर्मल रोटी से ज़्यादा पतली नहीं करनी, मोटी रखना इसको। अब इसको एक किसी भी ढक्कन के साथ या किसी भी डोंगे के साथ इसको सेंटर में रखूंगी इस तरह, तो इसका वो नॉर्मली लुक लेके आऊंगी इस तरह। देखिए हमारे पास वो सांचा नहीं है, हमने इसी के साथ काम चला लिया है। अब मैं छुरी की मदद से इस पर वही निशान बना दूंगी जो वो लोग करते हैं। छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेंगे हम। ये एक बड़े वाला रहेगा, एक इधर कर लेंगे ऐसे 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 ऐसे। ज़्यादा गहरा नहीं करना हमने इसको। आम के साथ मैं उठाऊंगी, इसकी बैक साइड पे पानी लगाऊंगी। देखिए ऐसे अब तवा मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, रीट हो गया। अब इसको मैं इस तरह चलेंगे, अब इसको फिर दोबारा सेट कर देंगे हम छुरी की मदद से। सारे निशान मैं दोबारा बना लेती हूँ। आंच बिल्कुल अब दम वाली कर देंगे। ब्रश की मदद से इसके ऊपर जर्दी लगा दूंगी। पाँच से सात मिनट इसको इस साइड पर मैं पकाऊंगी। तिल जो है वाइट तिल है मेरे पास, वो स्प्रिंकल कर दूंगी इसके ऊपर। आप इसके ऊपर कलवंजी लगाना चाहते हैं कलवंजी लगा लें, जीरा लगाना चाहते हैं जीरा लगा लें। माशाल्लाह चैलेंज। ये देखें माशाल्लाह ऊपर से भी इसका कलर चेंज हो गया, यानी इसका मतलब हमारा नान पकना शुरू हो गया। इस साइड पे मैंने कढ़ाई एक रख दी है प्री हीट होने के लिए, तो वो मतलब वो फुल आंच पे है। अब मैं इसको इस तरह इसके ऊपर रख दूँ, इससे कढ़ाई से हम तंदूर का काम लेंगे। जी व्यूअर्स, गैस चली गई थी और मामा की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी तो वो जाकर सो गई। जब दोबारा गैस आई तो मैंने इसका ढक्कन उठाया तो नान नीचे गिर गया था। मैंने नीचे स्टैंड रख के तो इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर नान को स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब आप इसको दोनों साइड से कुक कर लीजिएगा और इसको फिर आप निकाल लीजिएगा। इसी तरह से आप बाकी सब बनाएंगे और इनको फिर आप लोगों ने जो है डिश आउट कर लेना। एंड ये देखिए कि नान जो है दोनों तरफ से कुक हो गया है और ये थी जी रेसिपी की फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए तो डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।